अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। इंडियन हिप्नोसिस अकेडमी, कॉन्टैक्ट डॉक्टर JP मालिक 9871316116। नमस्कार, कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। ये तो हम कई बार जान चुके हैं कि कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हिप्नोसिस के द्वारा ट्रीट किया जाता है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम जानेंगे क्या बच्चों की स्टडीज में भी हिप्नोसिस किसी तरह का रोल अदा करता है। चलिए आज इसी विषय पर एक बार फिर से बात करते हैं डॉक्टर JP मलिक से, जो कि फाउंडर हैं इंडियन हिप्नोसिस अकेडमी के। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। डॉक्टर मलिक, ये तो आप कई बार हमें बता चुके हैं कि बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हिप्नोटिज्म जो होता है एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। यहीं अगर हम बात करते हैं कि बच्चों की स्टडीज़ में, तो क्या उसमें भी हिप्नोटिज्म किसी तरह की हेल्प दे सकता है हमें? जी बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि जब स्टडीज़ की अगर देखेंगे बच्चे परफॉर्म कम क्यों करते हैं जी, उसके कारण पर हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या बच्चा अपनी एबिलिटी के अनुसार परफॉर्म कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है जी, 100% बच्चा कभी नहीं करता, थोड़ा बहुत तो कम रहता है, लेकिन जो और भी ज़्यादा कम रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं? अगर सुपरफिशियल लेवल के ऊपर हम इसको देखें तो 3-4 भागों में इसको आप बांट के देख सकते हो। पहली चीज़, जब बच्चा क्लास के अंदर होता है, क्या बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करता है? क्या जब उसको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है, क्या वो कंसेप्ट की क्लेरिफिकेशन टीचर से लेता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मन में सोचते हैं कि मुझे पूछना चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं अगर मैं पूछूंगा तो लोग या दूसरे बच्चे ये सोचेंगे अरे इसको इस चीज़ का भी नहीं पता है जी। तो वो उस जो नॉलेज बच्चे को मिलना चाहिए था, इसलिए उसे डिप्राइव हो गया है, क्योंकि उसमें इतना करेज नहीं जुटा पाया, इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो टीचर से पूछ लेता। यानी वहाँ पर हेजिटेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक तो इशू ये है बच्चे का, जो हमें एड्रेस करना चाहिए, करना पड़ता है जब बच्चे की एजुकेशन के बारे में देखते हैं। दूसरी बात, स्कूल से आ गया है, कुछ फॉलोअप के लिए पेरेंट्स के पास करने के लिए कुछ एजुकेशन मटेरियल दिया जाता है कि आपने ये लेसन तैयार करना है, ये होमवर्क करना है, चीज़ें बताई जाती हैं, टीचर बताता है जी। लेकिन क्या बच्चा वो कर रहा है? बिल्कुल। अगर कर रहा है तो क्या उसे तन्मयता से कर रहा है या फ़र्ज़ अदायगी कर रहा है? सिर्फ पेपर भरने के लिए कर रहा है या उसको ठीक जवाब दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे फिर दो बातें हो जाती हैं, क्या वो पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ रहा है या वाकई में पढ़ रहा है जी। क्योंकि वो पेरेंट्स अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो बच्चा हो सकता है वो वहाँ पर सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हो पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि हाँ भी मैं पढ़ रहा हूँ, और पेरेंट्स उसे गुस्सा ना हो, या कई बार उस चीज़ को काम से बचने के लिए टूल बना लेता है, पेरेंट्स ने दूसरा काम ना बताएं, मैं किताब उठा के बैठ जाता हूँ, पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है। तो यहाँ पे देखना है, दूसरा इशू है क्या बच्चा होमवर्क में या होम असाइनमेंट में या आफ्टर स्कूल एजुकेशन में जी, क्या पार्टिसिपेट कर रहा है सिंसियरली? दो चीज़ें, क्योंकि जो पार्टिसिपेट करेगा दैट विल बिकम पार्ट ऑफ हिज लर्निंग, उसकी मेमोरी में वही जाएगा जो वो सीखेगा जी। बिल्कुल। बाद में जो उसने सीख लिया एग्जामिनेशन में जाता है, टेस्ट बच्चे का कहाँ होता है? जब वो पेपर देता है, जो क्वेश्चन आते हैं, व्हेन द चाइल्ड आंसर द क्वेश्चन, दे आर यूज फॉर टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड कि पास होगा या किस ए में, बी में, सी में, किस ग्रेड के अंदर ये आएगा, वो सारा उसके अंदर डिसाइड होता है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है जब एग्जामिनेशन आता है, एग्जामिनेशन की एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी में भी अब देखेंगे कई बच्चों को तो क्या होता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है, बुखार हो जाता है, इतना हाई एंग्जाइटी हो जाती है कि मेरा एग्ज़ाम होगा कल, पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा जी। लेकिन उस बच्चों को वो नहीं होता इस प्रकार की बातें, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर मिलता है, पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैं लिख तो सारा देता लेकिन मुझे याद नहीं आया, याद नहीं आया जी। वो सारी बातें उसको पहले याद थी, लेकिन जब पेपर मिला तो वो भूल गया, उसको याद नहीं आई, यानी मेमोरी ब्लॉक हो जाती है एंग्जाइटी की वजह से। अगर इन तीन मेजर इश्यूज़ को आप देखते हैं तो बच्चे की एजुकेशन को यू कैन इम्प्रूव अपॉन द स्कॉलेस्टिकल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, जितना वो पढ़ रहा है, स्कोर कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो इसको हम हिप्नोसिस के जरिए बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत बार ऐसा होता है ये सोचते हैं कि 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहा लेकिन साथ में भूल जाते हैं 18 घंटे तेरे पास भी तो रहा है। अगर 6 घंटे टीचर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है तो 18 घंटे आपने भी तो करनी है। तो वो रोल भी पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जब बच्चे की एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चा एंड पेरेंट्स, ये दोनों चाइल्ड एंड पेरेंट्स, ये दोनों ही आपको एड्रेस करने पड़ते हैं। इसके लिए आप बच्चे का यू बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड, फर्स्ट थिंग आप जो करेंगे कि क्लास के अंदर जो पूछना है, जो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो एक दूसरे से पूछने बजाय या चोरी चोरी से देखने के बजाय सीधा वो टीचर से पूछे, जब नहीं यार दूसरे को पूछे कि मैम या सर इसके मायने क्या है। अगर वो एक बार पूछेगा और उसके मन में अगर ये है कि लोग सोचेंगे, दूसरे बच्चे सोचेंगे तो बेवकूफ़ है, तो एक मिनट के लिए सोचेंगे ना जी। अगर वो नहीं पूछता है तो सारी आगे आने वाले लंबे टाइम तक के लिए बेवकूफ़ बन गया है, तो उस कंसेप्ट से वो महरूम रह जाता है, उसको पता लगता ही नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए यू प्रोग्राम दैट कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड, ये हिप्नोटिक स्टेट के अंदर आप इजीली यू कैन डू दैट। पहला लेवल उसका ये करेंगे जी। साथ में दूसरा आपने करना है कि घर पे बच्चा पहुंचता है, जो फॉलो अप वर्क दिया जाता है आफ्टर स्कूल एजुकेशन का जो कंसेप्ट है कि घर पे होमवर्क देना है, कुछ लेसन याद करने हैं, ये दोनों प्रकार के काम क्या बच्चे ने सिंसियरली करे हैं, यहाँ पर पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेरेंट्स अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ बेटा कितना कर लिया आज, क्या काम मिला आज, जो काम करके ले गए थे उसके ऊपर टीचर ने क्या फीडबैक दिया, इफ़ दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट। यहाँ पे कई बार उल्टा हो जाता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, हम चाहते हैं कि बच्चा पूरी करे, तो बच्चे के ऊपर एंड्यू प्रेशर हम डालते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारा रोल क्या है, उसको प्रेशर में डालना रोल है या उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट करना रोल है, तो जो लर्निंग है उसको ब्लॉक कर देते हैं जी। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे आप, और पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करी जाएगी कि आपने बच्चे का आपने क्या क्या घर आने के बाद चेक करना है, होमवर्क, टीचर का रिमार्क्स, आज करने के लिए जो दिया गया है वो काम भी आपने सारा चेक करेंगे। जो बच्चा कर रहा है तो उसे पूछना है बेटा ठीक ठाक हो रहा है या कुछ पूछने की ज़रूरत है, ये समझ में आ गया, या बच्चा सिर्फ एस्केप करने के लिए किताब खोल बैठा है, वो आप तभी जान सकते हैं जब बच्चे के साथ व्हेन यू आर इन्वॉल्व विद द चाइल्ड। अगर आप उसे छोड़ दिया है जी। तो बच्चा मे नॉट टेक इट सिंसियरली, मे नॉट, हाँ हो सकता है ले भी ले, तो दो लेवल हो जाते हैं। इसके साथ आपका एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, जो हम लोग फैसिलिटेट करेंगे उसको बनाने के लिए, जो बच्चे की काउंसलिंग करेंगे कि आपने कितनी देर खेलना है। खेल इज़ आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड, खेलेगा फिजिकल पार्टिसिपेट करेगा और उसके शरीर के अंदर थोड़ा सा हौसला शक्ति बनी रहती है और खुशी मिलती है बच्चे को पार्टिसिपेट करने में, खेलों में इंटरटेनमेंट भी होता है। खेल कितनी देर करेगा, होमवर्क कितनी देर का है, पेरेंट्स उसको देखें कि आज ये क्या खेलने गया है, क्या आज इसने होमवर्क करा है, क्या जो जो चीज़ें इसमें प्रिस्क्राइब थी एज पर टाइम शेड्यूल उसने करी हैं, वो आपने खुद इंश्योर करना है जी। बिल्कुल, तो देखा आपने हिप्नोटिज्म का मतलब खाली वशीकरण करना ही नहीं होता, बल्कि वो आपको बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में तो हेल्प करता ही है, साथ ही बच्चों की स्टडीज़ में भी हेल्प करता है। तो अगर आप भी हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा करने के लिए, तो आप भी इंडियन हिप्नोसिस अकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अब लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त, नमस्कार।